किसी और जगह पे आई हूँ और बज रहे इवनिंग की 5। मैं और रूही आराम से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर नदी है और आप देख सकते हैं वहाँ पर ऐसा लैंड है। मैं मेरी बुआ के घर आई हूँ, यहाँ पर बहुत मजे करने के लिए आई हूँ। एक बार मैंने लास्ट वीडियो एक बार डाला था, साइकिल सीखने के लिए मैं यहाँ पर ही आई थी। तो यहाँ पर रूही को बहुत मजा आ रहा है और हम लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तुम फोटो खींचो बोल रहा है, यहाँ पर मत बैठो। ओ वाह, देखो रूही सन को बोल कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं मीठी मीठी मिठाई से, मिष्टी आलू से, जो मेरा बहुत बहुत फेवरेट है। मुझे तो बहुत पसंद है, पता नहीं आप लोग के। ये स्वीट पोटैटो भी बताते हैं, बॉडी के लिए भी अच्छा है, बहुत न्यूट्रिशन डाइट है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। ये तो फिलहाल बॉइल्ड है, इसको फिर आग में डाला जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं कुछ खा लेती हूँ, बाद में करेंगे। चावल की पाउडर पूरी तरह से तैयार है, ये देखिए। और यहाँ पर होने वाली है हम लोगों की गरम गरम पीठे। तो कैसे बनाएंगे पीठे आप लोग जरूर देखिए, और जारी रहेगा ये वीडियो आप लोगों के साथ और मेरे साथ। यहाँ पर देख सकते हैं ये है चावल और गुड़। गुड़ के साथ मिश्रण बन रही है और यहाँ पर दिया जा रहा है थोड़ा नमक, मिठाई के थोड़ा टेस्ट आने के लिए नमक और सोडा, थोड़ा क्या फुला फुला होने के लिए ना। तो देखिए इसका तैयारी हो रही है। जो हम लोग ने बनाया है, देखा है बुआ ने बनाई थी। तो ये है गरम गरम तेल, इसमें जाने वाली है ये मिश्रण। सो गाइस 1 2 3 4 एंड हियर इट गोज। अभी क्या करना है, डालना है मैजिक। 1 2 3 4 ये गोल गोल गप्पा होने वाली है, मालपुआ ऐसे होने वाला है, होते कि नहीं देखते हैं। 1 2 गिली गिली गप्पा हो जा गोल गप्पा एंड ऑलमोस्ट डन। और थोड़ा बाकी है, हो गया है ऑलमोस्ट। सो ये है गोल गप्पे, सॉरी मालपुए है ये। और ये देखिए, अब इसको ब्राउन करना है। बहुत ही आसान है, स्नैक्स के लिए भी बहुत अच्छा है गाइस, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हम लोग की बंगाली में तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग ऐसा में इसमें तो बिहू में बनाते हैं और कोयला बोहन पोला बोसाक में हम लोग ये मतलब पीठा बनाते हैं। बहुत तरीके के पीठे होते हैं, ये एक है मालपुए जो है इजीएस्ट सिंपलेस्ट एंड घर जो नहीं आते वो भी कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। सिर्फ चाहिए चावल पाउडर, राइस पाउडर जो आप लोग के घर में हो सकता है, अगर नहीं है तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगी कैसे करना है। और गुड़, अगर आप चाहते हैं थोड़ा कोकोनट देने के लिए वो भी दे सकते हैं, कोकोनट मिक्स कर सकते हैं आपकी मर्जी। ड्राई फ्रूट मिक्स करना चाहते हैं और बेटर टेस्ट के लिए थोड़ा क्रश करके वो भी ऐड कर सकते हैं, एंड वाटर फॉर बेटर मिश्रण, एंड मिल्क भी दे सकते हैं उसको अच्छे से। जैसे पेस्ट, फाइन पेस्ट बनाना है, ये पेस्ट जैसे बनाया है। इसके बाद तेल डालिए कढ़ाई में, पैन में जो भी है आपके पास, और ये डालते रहिए। और ये पैनकेक जैसे होता है वैसे ही होता है, पैनकेक लिटल ड्राई में होता है, ये थोड़ा छोटा छोटा टाइप का पैनकेक आप सोच सकते हैं। ये देखिए आपके साथ बात करते करते ये मेरा ब्राउन भी हो चुके हैं गाइस, ऑलमोस्ट डन, क्योंकि मैं तेल को हीट थोड़ा लो करके रखी हूँ, क्योंकि तेल बहुत ही गर्म हो चुके हैं और ज्यादा गर्म होने में ना फास्ट फास्ट करने से बहुत जल जाते हैं, तो धीरे धीरे काम करना ही बेटर है। केयर से काम कीजिए, क्योंकि तेल छीटने से दाग लग जाएंगे गाइस, उसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती हूँ। सो ये है ऑलमोस्ट डन, आई होप
आप लोगों को ये खा के अच्छा लगेगा, मुझे तो बहुत अच्छे लगने वाले हैं, आप लोगों के बारे में पता नहीं। ये होने वाले हैं, होने वाले हैं। जरूर कमेंट कीजिए गाइस, कैसे बना है मेरा मालपुए, क्या ये सुंदर है या नहीं, जरूर बताइए गाइस। और फोन आइए कौन सा बोला, छिदपुली हम लोग की। तो ये है गोला जो हम लोग बनाए, ये कुछ नहीं है, ये चावल का है और इसमें नमक डालते हैं थोड़ा स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से गर्म पानी से सॉफ्ट सॉफ्ट डम्स बनाना है, जैसे हम लोग रोटी बनाने के लिए करते हैं। इसके बाद थोड़ा पार्ट इसे ले लेते हैं और अच्छे से इसको हम लोग जैसे रोटी बनाने के लिए, जैसे हम लोग गोल 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 गोल, दुनिया है गोल, ऐसे है गोल, पापा की रोटी गोल, मम्मी की रोटी गोल, पापा का पैसा गोल, ऐसा गोल गोल बनाना है। तो मैं पहले बना लेती हूँ। और ये है स्टफिंग, स्टफिंग का थोड़ा दिखाओ। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी होता है, कोकोनट से भी होता है, तिल से भी होता है। तो ये हम लोग जो बना है, ये बना है कोकोनट विथ मुरमुरे, मुरी कहते हैं हम लोग के लैंग्वेज में, और मुरमुरे है तो मुरमुरे, ये मुरमुरे है। इसको पाउडर बना के, पाउडर नहीं, सेमी पाउडर बना के इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसके साथ कोकोनट मिक्स किया है, अभी इसके अंदर में स्टफिंग डालेंगे। कैसे डालेंगे स्टफिंग, मोमो जैसे होते हैं, मोमो के जैसे अंदर में हम लोग स्टफिंग बनाते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये बॉयल बना सकते हैं, हम लोग बॉयल बना रहे हैं ऐसे, आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर डाल के हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, पैन अंदर में बिठाया है जिसमें गर्म पानी उबाल रहे हैं, जैसे मोबाइल मोमो बनाते हैं ना वैसे ही हम लोग डालते हैं। मैं वो भी दिखाऊंगी, क्या हम लोग पहले ये कर लेते हैं, इसके बाद क्या हो रहा है मैं दिखाऊंगी। तो ये देख सकते हैं, ये स्टफिंग अंदर में डाल रहे हैं, अंदर में डाल के हम लोग डिफरेंट डिफरेंट शेप से ये बना देंगे। आप कोकोनट में कोकोनट को वो भी लेके इसके साथ गुड़ मिला के अच्छे से भी फाइन पेस्ट बना सकते हैं, आपकी मर्जी। कोई कोई है सब्जी से भी पेस्ट बनाते हैं, पर उसको कभी कभी फ्राई कर लेते हैं और स्टफिंग जैसे बॉईल करेंगे तो मोमोज हो जाते हैं। तो मोमोज तो थोड़ा तीखा होता है और ये एक स्वीट डिश की जैसा हो गया है, और जो हम लोग पीठा कहते हैं, पीठा में और एक मेंबर ये भी है। तो मैं सिंपल कर लेती थी, क्योंकि मुझे उतना डिजाइन आती नहीं है, क्योंकि उतना मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से बनाते हैं, कोई मछली बनाते हैं, कोई मोमो का जो पैटर्न है वही बनाते हैं। मैं ऐसे साधारण जैसे सिंपल आप लोग घर में इजिली कर सकते वैसे बना देती हूँ, एंड मेरा फिनिशिंग भी इतना अच्छा नहीं है। ऐसा घुमाया, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, ऐसा मोड़ा, तो ये बन गया मेरा छिदपुली का तैयारी। तो हम लोग इसमें तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो पैन रखा है उसमें डालेंगे। अभी ये हम दे रहे हैं पैन में बॉयल होने के लिए। तो गाइस ऐसे ढक देने के बाद ये हो जाते हैं, इसमें गर्म पानी और ये वाला एरिया में हम लोग रखे हैं, आप देख सकते हैं। मैं उसको उठा के दिखाती हूँ और ये ऑलरेडी बॉयल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो ये इस तरह से हम लोग बनाते हैं छिदपुली। आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बना सकते हैं और आराम से मजा कीजिए छिदपुली का। तो यह है मेरा रेडी छिदपुली, आप लोगों को मोस्ट वेलकम मालपुआ छिदपुली खाने के लिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, शुभ खैर।